पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717855614 8586984798104375798104369400। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करे, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करे। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूव्रतम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुण लब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदेयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वी चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सतसत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारक्तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघूपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशह कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिस्रणा मंत्रायस्य चत्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य
विंशतिर नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानाम् ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो न्यत् पापम् इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। हमने जाना कि प्रतिजीवी कर्म जीव का जीवन बाधित करने वाले गुणों का घात नहीं करते, जैसे आयु, नाम, गोत्र या वेदनीय कर्म। सिद्धांततः वेदनीय को अघाती और अंतराय को घाती कर्म माना गया है, लेकिन सूत्रों में कर्मों का क्रम घातिया और अघातिया के हिसाब से नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, लेकिन मोहनीय के साथ में वेदनीय भी आत्मा का घात करता है, इसीलिए कथनचित इसे भी घाती कहते हैं और मोहनीय के पहले रखते हैं। अघाती कर्मों के अभाव से प्राप्त प्रतिजीवी गुणों के बिना भी जीवन चलता है और इनके कारण से जीव में कोई विशेष गुण की संपदा प्रकट नहीं होती, जैसे नाम कर्म के कारण सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के कारण अवगाहनत्व, अव्यवाद और अग्रु लघु गुणों के घात होने पर भी आत्मा के स्वाभाविक दर्शनात्मक चैतन्य गुणों अनुभूतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ज्ञान या दर्शन का घात होने पर जीव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मोहनीय कर्म के कारण जीव के निजी गुण जैसे स्वाभाविक सुख, तत्व ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र आदि घात को प्राप्त होते हैं। मुनिश्री ने अरिहंत दशा को ध्यान में रखकर समझाया है कि भगवान के अनुजीवी गुणों को घात करने वाले चारों कर्मों का क्षय हो जाता है और अनंत चतुष्टय रूप गुण प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अघाती कर्मों का उदय होते हुए भी केवल ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख आदि रूप स्व का अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती। हमने जाना कि सिद्धों का और अरिहंतों का सुख समान होता है। ये सब भ्रांति है कि सिद्धों के अव्याबाद और अरिहंत के अनंत सुख होता है। अनंत सुख ही अव्याबाद सुख है। बिना ब्लॉकेज सभी शक्तियाँ उद्घाटित होना ही अनंत है। अनंत की अनुभूति के बाद कोई भी अनुभूति उसमें फर्क नहीं डालती। सिद्धों के अव्यवाद गुण होता है जो गोत्र या वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है। परमार्थ प्रकाश टीका में इसमें थोड़ा अंतर है। ये कोई सुख नहीं, वेदनीय का अभाव है, जिसमें अब उन्हें कर्म नौकर्म के माध्यम से कोई भी बाधा नहीं होती। यह मात्र शरीर का परिवर्तन है। आगम में सुख वृद्धि के विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं आता। अनुजीवी कर्म आत्मा के वास्तविक गुणों का घात करते हैं। यह ज्ञान दर्शन के लिए तो स्पष्ट है। मोहनीय कर्म वास्तविक सुख देने वाले स्व ज्ञान तत्व ज्ञान में बाधा पहुंचाता है। मोह से जीव बिल्कुल विवेक रहित हो जाता है। अंतराय कर्म आत्मा के अंदर की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्तियों का घात करता है। इन अनुजीवी गुणों की अपूर्णता में आत्मा निशक्त होकर विकलता और दुख का अनुभव करता है। जीव को दान करने में, लाभ प्राप्त करने में, भोग उपभोग की सामग्री का अनुभव करने में या अपने उत्साह की वृद्धि करने में अंतराय कर्म ही बाधा डालता है। हमने आत्मा के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के अंतर को विस्तार से समझा। अनुजीवी गुण हमारी चेतना के जीवन है, निजी संपत्ति है, प्राण है। इनके माध्यम से आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा आश्रित होने से ये अनुजीवी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म इनका घात करते हैं। प्रतिजीवी गुण हमारे शरीर के जीवन है, चेतना के नहीं। शरीर आश्रित होने से ये प्रतिजीवी है। ये अघाती कर्म के अभाव में सिद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं।
लेकिन तब तक भी ये आत्मा के वास्तविक गुणों का घात नहीं करते। सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व आदि गुण शरीराश्रित भाव है और शरीर बनाए रखने वाले कर्म के नष्ट होने पर प्राप्त होते हैं। शरीर का अभाव होने पर आत्मा में भी वैसा ही परिणमन हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आठ कर्मों का यह जो क्रम बताया जा रहा है, इस क्रम को पहले हम समझ लें, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुणों का यह व्याख्यान दिया जा रहा है कि अनुजीवी गुण हमारी आत्मा की अपनी निजी ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से ही आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का जीवन चलता है, है ना। तो कह रहा था कि अगर नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये सब जो गुण हैं, ये जो कर्म हैं, ये सब हमारी आत्मा के जिन गुणों का घात करते हैं, वो गुण सिद्ध अवस्था में प्रकट होते हैं इन कर्मों के अभाव से। लेकिन जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आती है, तब तक भी इन कर्मों के कारण से आत्मा के जो वास्तविक गुण हैं उनका कोई भी घात नहीं होता है। तो ये शरीर आश्रित हैं, जो चार प्रकार के ये कर्म हैं, ये शरीर में फल देने वाले शरीर आश्रित गुणों का घात करने वाले हैं, और जो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय हैं, ये आत्मा के वास्तविक जो आत्मा के गुण हैं उनका घात करने वाले हैं। तो जब हम ये देखते हैं सिद्ध अवस्था में सूक्ष्मत्व हो गया, सूक्ष्मत्व होने का मतलब आत्मा तो पहले ही सूक्ष्म थी, लेकिन कर्म के कारण से वह किसी ना किसी के पकड़ में आ जाती है, शरीर धारण करती है, तो उसमें बादरपना आ जाता है। लेकिन आत्मा के अंदर जो ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, वह सूक्ष्मत्व गुण जब ये नाम कर्म के अभाव से प्रकट हुआ, तो उस नाम कर्म के सद्भाव में भी आत्मा के गुणों का जो वास्तव में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो अनुजीवी गुण है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, है ना। क्योंकि अरियंत भगवान के पास में ये सब नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, फिर भी उनके अनंत ज्ञान आदि जो सुख हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो सूक्ष्मत्व, अगुर लघुत्व आदि ये जो गुण हैं, वो आत्मा के गुण है होते हुए भी ये शरीर आश्रित भाव हैं, और ये शरीर के अभाव होने पर प्रकट होंगे। ये कब प्रकट होंगे? शरीर का अभाव हो जाए तो शरीर को बनाए रखने वाले जो कर्म हैं, वो जब नाश को प्राप्त होंगे तब शरीर का अभाव होगा, और जब शरीर का अभाव होगा तब आत्मा में वैसा परिणमन हो जाएगा। तो वो आत्मा का एक परिणमन है, न कि आत्मा के किसी बहुत गुणों की उपलब्धि हो जाना है। जैसे केवल ज्ञान हो जाना माने अनंत ज्ञान की उपलब्धि हो जाना है, मोहिनी का अभाव हो जाना माने कि हमारे अंदर आत्मिक श्रद्धा, आत्मिक सुख, आत्मिक चारित्र की प्राप्ति हो जाना है। ऐसी दान अंतराय आदि अंतराय कर्मों के अभाव से आत्मा के अंदर अनंत दान, उपभोग, सुख की ये क्षमता आ जाना है। वैसा कुछ इन सूक्ष्मत्व, अगुर लघु और अवगाहनत्व इन गुणों से कुछ नहीं होता है। शरीर का सद्भाव है, इससे ये प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए शरीर के प्रति होने के कारण से इनको प्रतिजीवी कहा जाता है, जो शरीर से संबंध रखते हैं, और जो डायरेक्ट आत्मा से संबंध रखते हैं उन्हें अनुजीवी कहा जाता है। ध्यान रहेगा। तो इन कर्मों के विभाजन में मुख्य रूप से तो अगर हम घातिया कर्मों को देखते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा, ये चार घातिया कर्म कहे जाते हैं। तो इनका ये क्रम यहाँ पर घातिया और अघातिया के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर पहले वेदनी आया, अंतराय बाद में आया, अंतराय को बहुत दूर रखा है। तो आचार्य कहते हैं इसका भी एक कारण यह है कि सिद्धांततः तो वेदनी कर्म अघाती कर्म है,
लेकिन संसारी अवस्था में जब हम यहाँ पर कर्मों का वर्णन कर रहे हैं तो वेदनी कर्म मोहनी के साथ होने के कारण से ये घाती के समान ही काम करता है। क्या समझे? सिद्धांत तत्व तो ये अघातिया कर्म है, लेकिन मोहनी के साथ मिलकर के इसमें इतना बल आ जाता है कि ये हमारे गुणों का घात करने लग जाता है, इसलिए अघातिया होकर के भी घाती की तरह है, क्योंकि ये मोहनी के साथ है तभी तक इसमें बल है। सुख दुख देना इसका काम है, लेकिन वह मोहनी के साथ होने के कारण से ही ये सुखी दुखी बनाता है। जैसे ही मोहनी का अभाव हो गया तो अब ये सुख दुख बना नहीं पाएगा। अब ये ऐसा हो गया जैसे जली हुई रस्सी होती है, अब रस्सी की उसमें सेप तो रह गई लेकिन वो रस्सी का कोई भी दम नहीं रह गई। जली रस्सी जानते हो? रस्सी तो रस्सी दिख रही है लेकिन वो जल गई तो अब वो कोई काम की नहीं है, ना उससे तुम अपनी शरीर में उसको बांध सकते हो ना किसी दूसरे के शरीर में बांध सकते हो, लेकिन रस्सी कहने के लिए रस्सी है। ठीक इसी तरीके से जब तक मोहनी कर्म है तब तक इस वेदनी में ताकत है, क्योंकि दुख हो रहा है तो जीव दुख को नहीं चाहता। किस कारण से? शरीर से मोह होने के कारण से इस शरीर में होने वाले दुख को यह जीव नहीं चाहता, या किसी भी तरह का दुख इसको मानसिक रूप से मिले वो नहीं चाहता, तो दुख से इसको मोह होने के कारण से दुख नहीं चाहता। लेकिन जब मोह निकल जाएगा तो फिर इसको दुख सुख जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए अरिहंत भगवान में वेदनी कर्म का उदय होने पर भी उन्हें कोई इससे होने वाला कोई दुख सुख नहीं होता, क्योंकि मोहनी का अभाव हो गया। तो मोहनी के साथ में इस वेदनी को यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से कर्मों का वर्णन किया जा रहा है, और कर्मों का सद्भाव संसारी जीव में होता है, तो संसारी जीव के अंदर इन कर्मों का स्वरूप बताने के लिए यह क्रम रखा गया है। अघातिया होते हुए भी यह घाती की तरह काम कर रहा है। कब तक? जब तक कि मोहनी कर्म साथ में है तब तक। तो सुख की वेदना भी मोह के कारण से होती है। वेदना माने वो पीड़ा नहीं, वेदना माने अनुभव बोलते हैं। वेदनी का मतलब क्या होता है? वेद्यते इति वेदनीय। वेदनी का मतलब क्या होता है? वेदन के योग्य हो, जिसका हम वेदन कर सकें, माने अनुभवन कर सकें, संवेदन कर सकें, उसका नाम है वेदन। तो सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, जितना मोह होता है उतना ही सुख और दुख में इंटेंसिटी आ जाती है। सुख और दुख अपने आप कम होते हैं जब मोह भी कम होता है, इसलिए जो मोह की कमी के साथ में जीव रहते हैं उनमें सुख दुख की संवेदनाएं भी बाहरी या अंतरंग किसी कारण से जब होती हैं तो उनमें उतनी नहीं होती हैं। सुन रहे हैं? ये ज्ञान का आप उपयोग करेंगे तो आपको कभी अनुभूति में आएगा। कैसा उपयोग? सुख और दुख तो होता है, अब हम उसमें मोह कम करने का कोई उपाय निकालें, और मोह अगर हम कम करें तो हमारे अंदर वह सुख और दुख में जो लगाव है वो कम हो जाएगा। मोहनी का काम तो लगाव करना है और वेदनी का काम सुख दुख देना है। तो जो लगाव है, चीज जिससे चिपक रही है, जिससे बंध रही है, उस लगाव के कारण से सुख में लगाव या दुख में लगाव ज्यादा आ जाता है ना? तो सुख में अगर आप कभी सुख की अनुभूति ना कर रहे हो तो ये संभव होता है। कब संभव होता है? जैसे ही आपका मोह उस सुख से टूट जाए, भंग हो जाए, तो सुख भी उस समय पर चला जाता है। किसी चीज से आपको सुख मिल रहा है, एकदम से आपको कुछ भी ऐसा हो गया कि उसी वस्तु से जो मोह था वो आपसे छूट गया। सुन रहे? कैसे? मान लो आपने बहुत अच्छा खाने का भाव बनाया और आपने जो है उस वस्तु को अपने मुंह में रख भी लिया, मान लो खाने के लिए, ठीक है ना?
और आपको ये पता है कि इससे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत मीठापन है इसमें। और जैसे ही आपको बताया गया कि जो मिष्ठान आपने खाया है उसमें जहर की एक बूंद डली है, क्या होगा? सभ्य घर तुरंत उसको, अब क्या सोचोगे, अब मुंह में आई गया है तो पीतर ही ले ले, ऐसा तो मोह भंग होगा। तो अब वही चीज जो सुख दे रही थी अब क्या, वो दुख का कारण बन जाए। सुन रहे हो? कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आप बड़ी अच्छे ढंग से सुख के साथ रह रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा मान लो हो गया बिजनेस में, कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसा नोटिस आ गया कि वो जिस महल में आप रह रहे हो वो अब आपका नहीं रहा। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया? जो मोह था वो मोह भंग हो गया। अब चीजें वही है, सुख अभी भी उससे मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भले ही अब आपका नहीं रहा, लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप इसको तुरंत खाली कर दो। बस आपका नहीं रहा, वो कर्जे में चला गया और अब ये किराए पर हो गया या कुछ जो है आपके हाथ से निकल गया, लेकिन अब ये आपका नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं हमें ये छोड़ना ना पड़ जाए। तो बस उससे सुख मिल रहा था, एकदम से क्या हो गया, मोह भंग हो गया, दुख हो गया। तो सुख का वास्तविक संवेदन मोह के कारण से होता है, और यही चीज दुख के साथ में, जिस चीज से आपको दुख हो रहा है अगर वह चीज आपके सामने होते हुए भी आप उस पर मोह का भाव ना रखो, उससे अपना लगाव हटा लो, तो वह दुख भी आपके लिए कम हो जाएगा। अब वो करना आता हो तो होगा। सुन रहे हैं? कई लोगों को कुछ बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, है ना, हुए भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे साहसी होते हैं, अपना दिमाग उस समय पर कहीं और दूसरी जगह पर लगा देते हैं और उन्हें किसी भी तरीके से एनेस्थेसिया का कोई इंजेक्शन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और उनका ऑपरेशन डॉक्टर कर देता है। समझ आ रहा? ऐसा क्यों? उन्होंने अपना उपयोग उसमें नहीं लगाया और उस दुख में वह मोहित नहीं हो रहे थे, अरे मेरा दुख, इतना दुख क्या होगा, वो सब नहीं। उसको उन्होंने अपने से अलग देखा और वह अपना, उन्होंने जो विचार था, उपयोग था, वो उसको दूसरी जगह पर लगा दिया, दूसरी जगह पर काम करने में लग गए और उधर वो सब उन्होंने कर दिया। तो मुख्य रूप से मोहनी कर्म है जो सुख या दुख का वेदन कराने के लिए वेदनी कर्म उसका सहयोग देता है, और वेदनी कर्म में कोई ताकत नहीं रहती जब मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने वेदनी को मोहनी के साथ यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि संसारी जीव का प्रकरण चल रहा है, संसारी जीवों में ही ये आठ कर्म बताना है, और संसारी जीव में जब भी ये सुख दुख होता है तो उसका मोहनी के साथ होता है, इसलिए उसकी जोड़ी वेदनी के साथ मोहनी की बना के रखी है। अन्यथा इसको बिल्कुल लास्ट में लिखना चाहिए था, सिद्धांत की दृष्टि से तो घातिया कर्म पहले लिखने चाहिए थे, अघातिया कर्म बाद में लिखने चाहिए थे, है ना। लेकिन सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता की बात भी सामने आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि वेदनी कर्म अघाती होकर के भी घाती का काम कर रहा है, और अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह है, क्योंकि अंतराय कर्म में घात करने की शक्ति होते हुए भी उस शक्ति के माध्यम से जीव के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर वह मान लो किसी भी तरह से दान, लाभ, भोग, उपभोग या अपने अंदर कोई भी शक्ति के उत्साह की या किसी भी तरीके की कोई विघ्न बाधा बीच में ले आता है, देख लेता है, तो भी उसके पास में जितना है उतने में तो वह अपना जीवन निकाल सकता है। तो अंतराय कर्म के कारण से उस आत्मा के कोई ज्ञान दर्शन रूप जो अनुजीवी गुण हैं उनका कोई घात तो नहीं होता। आपको मान लो कोई लाभ नहीं हो रहा है किसी चीज का, भोग उपभोग की संपदाएं जो आपके लिए अनुभव में आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, तो आप अपने ज्ञान स्वभाव की ओर तो अपना परिणति ले जा सकते हो, अंतराय कर्म उसमें तो बाधा नहीं कर रहा। तो उस अंतराय कर्म के कारण से हमारे अपने ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों में कोई बाधा नहीं आती, हम उसकी अनुभूति तो कर सकते हैं।
इसलिए अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह कहा गया है। ठीक है, तो यह इन दो कर्मों के विषय में विशेष रूप से जानना है। इसलिए यह जो क्रम रखा गया है इसमें अंतराय कर्म को बाद में और वेदनी कर्म को मोहिनी के पास में रखा है। तो वेदनी कर्म का एक मुख्य रूप से जो हमारे सुख दुख में योगदान रहता है वो हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी मुख्य कारण हमारा मोह है। तो आचार्य कहते हैं अपने इस मोहिनी कर्म के ही बीच में जो ये मोहिनी कर्म पड़ा हुआ है, इस मोहिनी कर्म के ही कम या ज्यादा होने से ही हमारे सब चीजों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और सुख, उससे पहले के जो भी ये कर्म हैं उनमें अंतर पड़ने लग जाता है। और अगर हम आयु वगैरह में भी देखेंगे तो जैसे जैसे मोह कम होता है उत्कृष्ट अच्छी अच्छी आयु भी मिलती है। क्या समझे? नरक आयु किनको मिलेगी? जिनको बहुत ज्यादा मोह मूर्छा आरंभ परिग्रह में रहेगा नरक आयु को प्राप्त होते हैं। कम होएगा त्रियंश आयु, मोह बिल्कुल कम होगा तो सर्वार सिद्धि में कौन पैदा होंगे? 33 सागर की अच्छी वाली आयु किनको मिलेगी? जिनका मोह बिल्कुल नगण्य होगा। तो ये मोहिनी कर्म दोनों तरफ हमें प्रभाव देखने का इसको मिल रहा है। सुन रहे हैं? समझने की बात है, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना, क्योंकि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, समझाने में आ रही है इसलिए आपको समझा रहा हूं, है ना। मोहिनी का प्रभाव हमें दोनों ओर देखने को मिल रहा है। ज्ञान पर तो मोहिनी का प्रभाव पड़ता ही है, दर्शन पर भी मोहिनी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के ऊपर मोहिनी के प्रभाव के कारण से ज्ञान खुद स्वयं का निर्णय नहीं कर पाता, स्वयं का निश्चय नहीं कर पाता, और ज्ञान पर मोहिनी का प्रभाव होने के कारण से ही ज्ञान तत्व का श्रद्धा नहीं कर पाता। आखिर तत्व श्रद्धा में बाधक कौन है? अपनी स्व आत्मा की श्रद्धा उसी का प्रतीति करने में बाधक कौन है? तो ये मोहिनी कर्म है। तो मोहिनी कर्म का जो इधर कर्म है इन सबके साथ में बहुत ज्यादा गठबंधन है। किनके साथ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी के साथ। इनके साथ तो इतना घुला मिला है कि इसका जीवन इन्हीं से चल रहा है। और जब इस मोहिनी कर्म का ये आयु नाम गोत्र इनसे संबंध थोड़ा सा टूटता है तो ये चीजें तो उत्कृष्टता की ओर हमें प्राप्त होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे इस मोहिनी का संबंध इन चीजों से जुड़ता चला जाता है तो ये चीजें हमें निकृष्टता की ओर ले जाती हैं। मोहिनी का संबंध ज्ञान में जितना ज्यादा होगा वेदनी का संबंध भी उतना ही ज्यादा होगा, और उसी के कारण से वह जीव सुख दुख रूप अनुभव करते हुए हमेशा पर वस्तु से मिलने वाले सुख दुख में ही मोहित रहेगा, उसी में आसक्त रहेगा। तो ये मोहिनी कर्म सबसे बीच में दोनों ओर प्रभाव डालने वाला है, और इस मोहिनी कर्म के इस प्रभाव में ज्ञान दर्शन वेदनी ये तो आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, और आयु नाम गोत्र अंतरा ये सब आत्मा से जो भिन्न शरीर आदि के साथ में जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका घात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यह क्रम जो हमें आठ कर्मों का बताया गया है उसको हम समझ लें, फिर एक एक क्रम का जो हमें भेद बताया जा रहा है कि ज्ञानावरण कितने भेद वाला है, दर्शनावरण कितने भेद वाला है, वो आपको आगे बताया जाएगा। आगे फिर वही प्रकरण शुरू होने वाला है। आज आपने इसी सूत्र को ढंग से समझा है, इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने वेदनीय और मोहनीय कर्म के बारे में विशेष रूप से जाना। वेदनीय अघातिया होकर भी मोहनीय के साथ घाती की तरह होता है, और अंतराय घातिया होकर भी अघाती की तरह। इसलिए यहाँ संसारी जीवों के लिए कर्मों का स्वरूप बताने के लिए आचार्यों ने सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता को सामने रखते हुए वेदनीय कर्म को मोहनीय के पास और अंतराय कर्म को बाद में रखा है। मोहनीय के साथ मिलकर वेदनीय कर्म में आत्मा के गुणों का घात करने का बल आ जाता है, और यह हमें सुखी दुखी बनाता है। मोहिनी के अभाव में यह जली हुई रस्सी के समान होता है और हमें सुख दुख नहीं दे पाता।
जीव शरीर आदि के मोह से दुख नहीं चाहता और मोह निकलने के बाद उसे सुख दुख कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मोहनीय के अभाव में अरिहंत भगवान में वेदनीय कर्म का उदय होने पर भी उन्हें कोई सुख दुख नहीं होता। हमने जाना कि मोहनीय का काम लगाव करना है और वेदनीय का काम सुख दुख देना है। वेदनीय का मतलब पीड़ा नहीं, अभी तो अनुभव संवेदन होता है। सुख दुख का अनुभव मोह के कारण होता है, जितना मोह उतना ही इंटेंस अनुभव। जो जीव मोह की कमी के साथ रहते हैं उनमें बाहरी या अंतरंग कारण से सुख दुख की संवेदनाएं भी कम होती हैं। अतः मोह कम करने का कोई उपाय करें जिससे अपने अंदर सुख दुख के लगाव को कम कर सके। सुख में भी अगर हमारा मोह उस सुख से टूट जाए तो सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे अगर बहुत अच्छे मिष्ठान को हमने मुंह में रख लिया और किसी ने बताया इसमें जहर है, तो अब उसमें सुख नहीं होगा। या जैसे प्रॉपर्टी हाथ से निकलने पर उससे लगाव कम हो जाता है और वही रहते हुए भी वो महल सुख नहीं देता। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि चीज सामने होते हुए भी उससे अपना लगाव हटा लें। कुछ साहसी लोगों को तो बड़े बड़े फेफड़ों के ऑपरेशन के समय भी एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वे उस समय अपना दिमाग दूसरी जगह पर लगा देते हैं। इसमें अपना उपयोग न लगाकर वे दुख से मोहित नहीं होते। हमने जाना कि अंतराय कर्म में दान, लाभ, भोग, उपभोग और उत्साह का मत करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके कारण आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख रूपी अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता। इसलिए जीव के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों के अलावा भोग उपभोग के बिना भी वे अपने ज्ञान स्वभाव की ओर परिणति ले जाकर अपना जीवन निकाल सकता है। इसलिए अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह होता है। मुनिश्री ने अपने चिंतन से समझाया कि मोहनीय कर्म के कम या ज्यादा होने से ज्ञानावरण दर्शनावरण और सुख पर भी अंतर पड़ता है और आयु नाम गोत्र भी निकृष्टता या उत्कृष्टता की ओर जाते हैं। जैसे ज्यादा मोही मूर्छा और आरंभ परिग्रह सहित जीव को नरक आयु मिलेगी, उससे कम को त्रियंश आयु और बिल्कुल नगण्य मोह वालों को 33 सागर की उत्कृष्ट देव आयु मिलेगी। ज्ञान और दर्शन पर तो मोहनीय का प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि इसके प्रभाव में जीव खुद स्व का निश्चय तत्व का श्रद्धान नहीं कर पाता और वह पर वस्तु से मिलने वाले सुख दुख में ही मोहित रहता है। मोहनीय के प्रभाव से ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय आत्मा के गुणों का घात करते ही हैं। आयु नाम गोत्र अंतराय भी आत्मा से भिन्न शरीर आदि की उपलब्धियों का घात करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है,
निम्न में से किस कर्म के कारण आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप का कोई घाट नहीं होता? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 17 के आज के सवाल का सही उत्तर है वेदनीय कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843740